नमस्कार। समाज कल्याण निदेशक द्वारा बीएड में जीरो बैलेंस खत्म करके एससी एसटी के छात्र छात्राओं को प्रवेश से वंचित करने के संबंध में पासी सेना के लोगों ने सौंपा ज्ञापन। जी हां, उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ से बड़ी खबर आ रही है। आजमगढ़ में पासी सेना के नेतृत्व में जिलाधिकारी कार्यालय पर ज्ञापन सौंपने आए पासी सेना के जिला प्रभारी चंद्रकांत सरोज ने बताया कि समाज कल्याण के निदेशक द्वारा एससी एसटी के छात्र छात्राओं को बीएड में प्रवेश से वंचित करने के लिए जीरो बैलेंस को खत्म करने का काम कर भारी रकम फीस कर दिया गया है, जिससे कि एससी एसटी के छात्र छात्राएं बीएड करके शिक्षक ना बन सके। सबसे पहले अपना परिचय दीजिए। मैं चंद्रकांत सरोज, पासी सेना जिला प्रभारी आजमगढ़ से। क्या मामला है, आप लोग गिरफ्तार कर रहे हैं? आज जिला अधिकारी कार्यालय पे हम लोग इसलिए आए हुए हैं, जो पहले से हमारे एससी एसटी के बच्चे पढ़ाई करते थे उन्हें स्कॉलरशिप दी जा रही थी। आज समाज कल्याण निदेशक साहब के आदेशानुसार इसे खत्म किया जा रहा है। हम चाहते हैं कि हमारे एससी एसटी के गरीब बच्चों के साथ यह खिलवाड़ न किया जाए और इसे बहाल किया जाए, ताकि हमारे गरीब बच्चे भी विद्यालय में पढ़ सकें। आपने ज्ञापन दिया तो क्या आश्वासन मिला? आपने ज्ञापन दिया तो आश्वासन मिला? आश्वासन तो मिला है साहब के यहाँ से, कहें कि आपके आवाज़ को हम माननीय मुख्यमंत्री तक पहुँचाएँगे, आग्रह करेंगे कि आपके फरमान को बहाल किया जाए। आश्वासन तो ठीक मिल रहा है। अगर आपकी ये मांगें पूरी नहीं होती तो आगे आपको क्या रणनीति है? अगर ये हमारी मांगें पूरी नहीं होती है तो हमारे छात्र छात्रा गरीब मजदूर मजबूर हो जाएंगे आंदोलन करने के लिए। अगर ऐसा नहीं होता तो हम आंदोलन करेंगे। इसलिए समाज कल्याण निदेशक ने अपना तुगल की फरमान जारी करके एससी एसटी के छात्र छात्राओं को बीएड की शिक्षा से वंचित करने का काम किया है। यदि जीरो बैलेंस खत्म कर दिया जाए तो एससी एसटी के गरीब छात्र छात्राएं बीएड नहीं कर पाएंगे। पासी सेना जनपद आजमगढ़ की तरफ से ज्ञापन के माध्यम से यह मांग की है कि माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार से समाज कल्याण निदेशक द्वारा जारी की गई फरमान को निरस्त किया जाए, जिससे कि एससी एसटी के गरीब छात्र छात्रा बीएड में प्रवेश ले सकें। यदि ऐसा नहीं होता है तो हम सभी एक बड़ा आंदोलन करने के लिए एससी एसटी के छात्र छात्राओं के साथ बाध्य होंगे, जिसकी जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश सरकार की होगी। आइए देखें इंडिया पावर न्यूज़ के साथ एक रिपोर्ट। मैं डॉक्टर अनिल कुमार पासी, पासी सेना जिला अध्यक्ष आजमगढ़ एवं ग्रामीण चिकित्सक एसोसिएशन ब्लॉक अध्यक्ष बिलरियागंज। क्या मामला है कि यह मामला ये है कि बीएड में जीरो बैलेंस जो हमारे एससी एसटी के छात्र पढ़ाई कर लेते थे, आज की तारीख जो खत्म कर दिया गया है, उसको बहाल करने के लिए हम लोग यहाँ आए हैं। डीएम साहब के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन हम लोग दिए हैं कि जो कि हमारे वहाँ जाए, हमारे मांगे सुनी जाए और जो छात्र छात्रा बीएड में प्रवेश वंचित करने के लिए जीरो बैलेंस को खत्म करने का काम कर भारी भरकम फीस कर दिया गया है, जिससे कि एससी एसटी के छात्र छात्रा बीएड करके शिक्षक न बन सके। इसलिए समाज कल्याण निदेशक ने अपनी तुगलकी फरमान जारी करके एससी एसटी के छात्र छात्रों का बीएड की शिक्षा से वंचित करने का काम किया है। तो आप लोग क्या कहते हैं? तो हम लोग चाहते हैं कि उसको फिर उसको बहाल किया जाए, फिर से बहाल किया जाए, जो अपना संदेश जो इसको लागू किया गया उसको वापस लिया जाए और जो पहले था वही चले और हमारे गरीब छात्र छात्राएं एससी एसटी के लोग अपनी पढ़ाई कर सके और टीचर भी बन सके और अपनी सेवा सरकारी विभाग में दे सके।